हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड फीस्ट बाय सफ़ा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़ा। तो शाही टुकड़ा हम इसे डबल के मीठे के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर है हैदराबाद तेलंगाना में, और वहाँ पे ये शादी या पार्टीज़ में सर्व किया जाता है। तो बेसिकली शाही टुकड़ा एक ब्रेड बेस्ड मीठा है। तो बिना कोई देरी करे इसे बनाते हैं। तो बिफोर स्टार्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फूड फीस बाय सफ़ा एंड प्रेस दी नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेन वी पोस्ट अ न्यू वीडियो। सो एंजॉय द वीडियो। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 6 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, और इस ब्रेड को अब हम काट लेंगे, पर इसकी एजेस हम नहीं काटेंगे, एजेस के सहित हम इसे काटेंगे। हम इसे कुछ इस तरीके से काटेंगे, आप देख सकते हैं। पहले हम इसे डायगोनली काटेंगे, फिर उसके बाद हम इसे वापस हाफ कट लेंगे। लाइक बेसिकली आपको इस तरीके के छोटे छोटे ट्रायंगल शेप चाहिए। दूसरे स्लाइस के साथ भी हम ऐसे ही कर लेंगे, कुछ इस तरीके से हम इन्हें काट लेंगे। आप देख सकते हैं वो ट्रायंगल्स हैं। अब हम ले लेंगे 6 टेबलस्पून ऑफ घी। हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, तो हम घी शैलो फ्राई करने के हिसाब से ले लेंगे। तो अब हम इसे मेल्ट होने देंगे। जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा, इसमें हम एक एक करके हमारे ब्रेड्स के पीसेस डाल देंगे, और अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे जब तक ये एकदम क्रिस्पी से गोल्डन ना हो जाए। मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे दिखते हैं। हम डाल लेंगे हमारे ब्रेड्स को, बिल्कुल ओवर क्राउड नहीं करना, और हम इन्हें फ्लिप करके देखते रहेंगे, हम इन्हें चेक करते रहेंगे, और इसे अच्छे से जब तक ये फ्राई ना हो जाए फ्राई होने देंगे। अब ये कुछ इस तरीके के गोल्डन से क्रिस्पी दिख रहे हैं। तो अब हम इन गैस को बंद कर लेंगे और इन्हें निकाल लेंगे एक पेपर टॉवल पे। सारा एक्सेस घी को ड्रेन कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और इसे एक पेपर टॉवल में निकाल लेंगे। अब एक पतीले में ले लीजिए 1/2 लीटर दूध, और हम इस सब को स्लो गैस पे ही पकाएंगे, लो फ्लेम पे एकदम। और इसमें हम डालेंगे मावा, 1 टेबलस्पून ऑफ मावा। हम मावा ऐड कर रहे हैं। अब हमने ऐड कर लिया हमारा मावा। हम इसे हाथों की मदद से थोड़ा क्रश करके डालेंगे, क्योंकि मावा में कभी कभार लम्स बन जाते हैं, तो इसलिए अब हम इसे डाल लेंगे। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से इसमें एक अच्छा सा स्मेल आता है और एक फ्लेवर भी आता है। हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। हम एकदम नीचे से मिलाएंगे ताकि हमारा दूध चिपके ना। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पिस्ता और बादाम। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ड्राई फ्रूट यूज़ करने से इसमें एक रिच टेस्ट आता है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 6 टेबलस्पून ऑफ चीनी। हम इसे ऐड कर लेंगे हमारे दूध के मिक्स में, और हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 सैफ्रन की स्ट्रैंड्स। हम इसे ज़ाफरान भी बोलते हैं। सैफ्रन में इसमें एक टिंच ऑफ कलर आ जाता है, एक अच्छा सा प्यारा सा कलर। अब इसे अच्छे से हिलाते रहे, बीच बीच में चेक करते रहें। कंटिन्यूसली नहीं हिलाना है, आप इसे बस बीच बीच में चेक कर लें। और अब हम इन्हें स्लो गैस पे कुक करेंगे जब तक इसमें एक बॉयल ना आ जाए, और तब तक हम हमारी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे लेंगे मावा। जनरली लोग इसे स्टफ़ नहीं करते, पर अगर आप इसे स्टफ़ करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। दिस स्टेप टेक्स इट टू अनदर लेवल। अब हम लेंगे मावा। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 1/2 बोल मावा, और इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। हम यहाँ पे वापस बादाम और पिस्ता का यूज़ कर रहे हैं। अब हम 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड ले लेंगे, जो हमारे तले हुए ब्रेड्स थे, और इसमें थोड़ी सी हमारी स्टफ़िंग डाल देंगे। ये स्टफ़िंग से बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है, तो अगर आप शाही टुकड़े को बनाएंगे तो आप ज़रूर ये स्टफ़िंग के साथ बनाएं। अब हम इसी तरह हमारे बाकी के ब्रेड्स को भी स्टफ़ कर लेंगे।
अच्छे से ऐसे सैंडविच कर लेंगे। अब स्टफिंग की अच्छी एक जेनरस लेयर डालें। अब हमने सब को सैंडविच कर लिया है, कुछ इस तरीके की दिखेगी। और अब हम इसे डाल लेंगे एक ट्रे में। और अब हम इस पे डालेंगे हमारा दूध। हम इसमें गरम गरम दूध डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। मेक श्योर आपका ब्रेड हर कोने से कवर हो जाए। हम हमारे ब्रेड को अब इस हम इसे दूध सोक की होने मिक्स में अच्छे देंगे से सोक इसमें, होने देंगे। और जब हम इसे सर्व करेंगे तो हम इसे ठंडा सर्व करेंगे, तो इसे हम सोक होने के बाद ठंडा होने देंगे। तो ये हो गया है हमारा शाही टुकड़ा तैयार, और आप देख सकते हैं ये अच्छे से सोक हो गया है। मैं आपको क्लोजअप दिखा रही हूँ, ये एकदम अच्छा सा लग रहा है। इट्स वेरी टेम्पटिंग, और जो इसमें स्टफिंग है ना, इट टेक्स इट टू अनदर लेवल। ये बहुत ही अच्छा है, आप अपने ईद पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं, या अभी आप लॉकडाउन चल रहा है तो आप खुद घर पे बना के इसे खा सकते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। ब्रेड ब्रेड तो सबके घर पे होती ही है, और बस इसे स्टफ़ कर लें, दूध होता ही है, सो ईजी। तो इफ़ यू लाइक आवर रेसिपी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फूड फीस्ट बाय सफ़ा, एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेन आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। Until the next video, bye guys. Stay home, stay safe.